नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती का दिन उस महान शख्स की याद ताजा करने का दिन जिसने अपने विचारों से सारी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उनकी हर एक सीख को भुला दिया गया है। बापू ने सारा जीवन एकता और आपसी सद्भाव की बात की, मगर इसी गांधी जयंती पर उन्हें लेकर भाजपा और कांग्रेस के लोग भिड़ गए। इंदौर में बापू की मूर्ति के सामने उनके अहिंसा वाले सिद्धांत की धज्जियां उड़ गईं। बापू भी कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस में बांटे जा चुके हैं। इधर वो आधी आबादी देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं दिख रही, जिस पर अत्याचार करने वालों के लिए बापू ने एक कह तक दिया था, उनका वध कर दिया जाना चाहिए। हाथरस में जाति की रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात बापू की इस जयंती के उत्साह पर किसी बदनुमा दाग की तरह काबिज हो गई है। गांधी आज या तो नोट पर दिखते हैं या फिर नजर आते हैं उस खोट में जो गांधीगिरी के नाम पर दादागिरी करने वालों की फितरत बन चुका है। यकीनन महात्मा गांधी वो नाम है जिनके विचार और आदर्श घनघोर नेगेटिव माहौल के बावजूद भी कभी भी कमजोर नहीं हो सकते, लेकिन मौजूदा माहौल में इस बारे में कुछ निराशा तो हमें घेर ही ले रही है। गांधी अब अपने नाम के इस्तेमाल के जरिए राजपाट को पाने का माध्यम मात्र बनकर रह चुके हैं, तो कहीं उनकी बातों और आदर्शों की तिलांजलि भी दी जा रही है। ऐसे किसने किया और कैसे कैसे किया है ये पता लगाने के लिए आइए कोशिश करते हैं कुछ चीजों को समझने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर इंदौर में गांधी प्रतिमा पर हंगामा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा नेता को कांग्रेसियों ने पीट दिया। इस दौरान वहां खड़े किसी शख्स ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। दरअसल यहां बीजेपी नेता लच्छुराम शर्मा पीएम मोदी के वेशभूषा और मुखौटा लगाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना का विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर बीजेपी नेता ने भी उन्हें चिढ़ाने लगे। फिर क्या था, कांग्रेसी आक्रोशित हो गए और भाजपा नेता लच्छू शर्मा की पिटाई कर दी। इसके बाद बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता पीएम मोदी के मुखौटे लगाकर मौके पर पहुंच गए। गनीमत यह रही कि तब वहां कांग्रेसी नहीं थे। अन्यथा बापू के नाम पर सड़क पर संग्राम उनकी पुण्यतिथि के दिन उनकी प्रतिमा के नीचे ही तय था। तो आज बापू की जयंती है और देश भर में पिछले एक हफ्ते के दौरान हाथरस समेत बच्चियों से दुष्कर्म की आधा दर्जन घटनाओं से देश शर्मसार है और लोगों की आंखों में चिंगारियां भड़क रही हैं। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि पर हम ये भी जान लेते हैं कि बच्चियों और महिलाओं की इज्जत आबरू को लेकर उनके क्या विचार थे और आज हम अपने को कहां खड़ा पाते हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे देश में और जो माहौल चल रहा है उसमें। हाथरस गैंगरेप पर देश में गम और गुस्से के बीच आज गांधी जी की याद आ रही है। महिलाओं के प्रति गांधी जी को जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी। महात्मा गांधी का मानना था अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न हो तो उसे हिंसा और अहिंसा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में आत्मरक्षा ही उसका परम धर्म हो जाता है। अपनी रक्षा के लिए उसे जो ठीक लगे करना चाहिए। वो मानते थे कि बलात्कार का शिकार हुई स्त्री का किसी भी लिहाज से तिरस्कार नहीं होना चाहिए। द माइंड ऑफ महात्मा गांधी किताब में दुराचार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर विचार गांधी जी के संकलित किए गए हैं। इसमें गांधी जी ने कहा, अगर महिला हमलावर की शारीरिक ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती तो उसकी पवित्रता उसकी ताकत बनती है। सीता का उदाहरण लीजिए, शारीरिक रूप से वो रावण के आगे कमजोर थी, लेकिन उनकी पवित्रता उसके बाहुबल से कहीं ज्यादा थी। उसने कई प्रलोभन से उन्हें जीतना चाहा, लेकिन अपनी पूरी ताकत के बावजूद वो सीता को हाथ नहीं लगा सका। उन्होंने लिखा है उस किताब में, मेरा मानना है कि एक निडर महिला जो ये जानती है कि उसकी पवित्रता उसकी सबसे बड़ी ढाल है, उसका कभी शील भंग नहीं हो सकता। चाहे जितना ही वैशी मनुष्य क्यों ना हो, वो उसकी पवित्रता की अग्नि के आगे शर्मिंदा हो जाएगा। आगे
फिर पूरन सा जिस देश में राष्ट्रपिता ने पारिवारिक जीवन में भी शारीरिक संबंधों का अधिकार महिलाओं की इच्छा पर छोड़ा हो, वहां वो हवस की शिकार हो रही है। वासना में अंधे भेड़िए उनकी बेटियां नोच रहे हैं और हमारा सिस्टम उन्हें सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक का अवसर नहीं देता। बापू की 151वीं जयंती पर हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा कर जानेंगे कि आखिर हमने क्यों उस महामानव के आदर्शों को बिसरा दिया। हमें याद है तो उनके नाम का सियासी दुकान सजाना, इसके लिए हम आज जो इंदौर में उसी की तरह सड़क में लड़ने से भी नहीं चुके। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले सुनते हैं बापू के दो संदेश। वो कैसा आजाद भारत चाहते थे और सर्वधर्म संभाव शोषितों वंचितों दलितों के सामाजिक बराबरी उनकी क्या थी, क्या सोच थी उनकी, सुनिए। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी का के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सब की रक्षा और सब के लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। और वहाँ भी जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए। इतना उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआ छूत को एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किस तरह के सोच रखते थे पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, आज हम किताबों में भी पढ़ते हैं। लेकिन आज जब हम आज का दृश्य देखते हैं, आज की स्थिति देखते हैं, तो लगता है कि कहाँ है वो बातें, कहाँ है वो आदर्श, कहाँ है वो विचार जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिए। इंदौर में दो दल भिड़ जाते हैं और महिलाओं के प्रति जो उनके विचार थे, बच्चियों के प्रति जो उनके विचार थे, उसकी स्थिति आज देश में क्या है वो आप समझिए। गांधी जी के विचारों को और भी हम समझते हैं आज के इस परिपेक्ष में, आज की इस स्थिति में उनके विचार क्या थे और वो आज कहाँ चले गए हैं। बापू के विचार, बापू की सोच, बापू के आदर्श, आप जानते हैं सब धर्म को साथ में लेकर चलने की बात वो कहते थे, सभी को गले लगाओ, जात पात में देश को ना बांटो, ऐसी बातें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते थे। उन्होंने भले ही कितनी भी नेगेटिविटी रही हो, कितना भी आ रहा है कहाँ ये राजनेता और उनके कार्यकर्ता उन्हें कितना पीछे छोड़ चुके हैं ये आप जानते हैं। दयाराम नामदेव जी गांधीवादी विचारक हैं, हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर बने हुए हैं। दयाराम नामदेव जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। तो आवाज आपकी बहुत धीमी है। नामदेव जी, गांधी जी के विचार और गांधी जी को आज के इस माहौल में, आज इस दुनिया में आप कहां देखते हैं? देखिए, गांधी जी का विचार जितना जब गांधी जी थे उतना महत्व नहीं था जितना आज उसकी आवश्यकता है। समाज आज ज्यादा विकृत हुआ है, इसलिए आज उस विचार की ज्यादा जरूरत है। दवा जब खाई जाती है, जब मर्ज होता है, तो आज ज्यादा मर्ज बढ़ गया है, तो उसके लिए गांधी जी का ही विचार एक कारक है। जितने और महापुरुष हुए हैं उन्होंने धर्म की बात कही, स्वर्ग की नरक की बात कही, लेकिन गांधी जी ने सामान्य आदमी के जीवन को ऊंचा उठाने की बात कही है, देश को विकास की बात कही है। इसलिए गांधी का विचार आज ज्यादा जरूरत है उसकी। और वो जरूरत क्या, हम आचरण में लाएं,
सब सही है। आज जैसे आज मुख्यमंत्री जी भी कह गए कि लोग गांधी की बात को मानते हैं लेकिन गांधी की नहीं मानते हैं, तो हमें गांधी की ही मानना पड़ेगा जी। अब कई ऐसी घटनाएं भी हम देखते हैं आज, और खास तौर पर जब गांधी जी का दिन हो, गांधी जी की जयंती का दिन हो, और उस तरह की ऐसी घटनाएं हो। जहां तक घटनाओं का सवाल है जी, घटनाएं तो अनेकों ऐसी प्रसंगिक घटनाएं हैं जी, जो उस समय की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में उन्होंने जो काम किया है वो अत्यंत जरूरी था। अब देखिए उस समय अस्पृश्यता की बड़ी जरूरत थी, और अस्पृश्यता के लिए उन्होंने समर्पित होके दलितों के और शोषितों के लिए उन्होंने एक एक पाई मांग करके उनके शिक्षण की व्यवस्था, उनके सामाजिक जीवन स्तर उठाने की व्यवस्था और समाज में सम भाव हो, इसके लिए बहुत काम किया है उन्होंने जी। आज जब हम देखते हैं जी नामदेव जी, आज जब हम देखते हैं कि राजनेता और खास तौर पर हमारे देश में जो राजनीति का चलन चल पड़ा है, उसमें महात्मा गांधी जी के नाम को तो खूब उपयोग किया जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा कोई राजनेता आपको नजर आता हो जो उनके विचारों के साथ आगे बढ़ता हो? नाम तो खूब सियासत के लिए, दुकान चमकाने के लिए सियासी उपयोग किया जाता है महात्मा गांधी जी का, लेकिन उनके विचारों को क्या राजनेता भूल गए हैं, या एक पोटली में बांध कर सिर्फ सजा दिया है कि देख कर ही वोट ले लेंगे? देखिए होता क्या है कि हम नैतिकता को बताते हैं, नैतिकता के सिद्धांतों को बताते हैं, और लगता है कि अरे साहब ये आदमी बड़ा नैतिक है, मूल्यवान है, लेकिन वो उस अपनी अंदर की जो उसकी जो दूषित भावना होती है वो नहीं बताते हैं। कितने लोग ऐसे हैं गांधी का नाम लेते हैं लेकिन गांधी का काम नहीं करते हैं, इसलिए वो आज समाज में फेल हो गए। और जहां तक सवाल है, गांधी को तो आज ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, आज 2 अक्टूबर को ही नहीं, आप इसके बाद थोड़ा विस्तार से चर्चा करने कभी आइए गांधी भवन, तो हम आपके साथ 1-1.5 घंटा चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नामदेव जी, लेकिन मैं तो चली आऊंगी, लेकिन हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं नामदेव जी, उन्हें वो बातें बताइए जो आपको लगता है कि आज बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि हिंसा जैसी भावनाएं, छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, कभी हीन भावना, कभी किसी तरह की कोई भावना, अब वो कहाँ से आ रही है ये तो नहीं पता, लेकिन आज का माहौल, और आज हम बचपन से लेके बड़ों तक की भी बात करें तो कई ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं जो डराती हैं, समझाती हैं कि अभी जरूरत है एक बार फिर से एक किताब होनी चाहिए, एक विचारों से जुड़ा एक क्लासेस में एक चैप्टर होना चाहिए, एक पीरियड अलग से लगना चाहिए जिनमें उन विचारों को हम फिर से बचपन में उन उस माला में पिरो दें जो आगे जाकर उनके काम आए। देखिए ऐसा है कि आज हमारे पारिवारिक जीवन में परस्परिक संवाद समाप्त हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जब दादी माँ की गोद में, नानी की गोद में बैठते थे तो धार्मिक कहानियां सुनते थे, वीरता की कहानियां सुनते थे, दान वीरों की कहानियां सुनते थे, त्याग और तपस्या के लोगों की कहानियां सुनते थे, वो फिर बच्चे आगे चल के आचरण में लाते थे। आज ये सारा संवाद समाप्त हो गया है, मोबाइल उनके सामने पल्ले में या उनके सामने बांध दिया जाता है, उसी को देखते हंसते खेलते रहते हैं, और उसी में जो दृश्य दिखाए जाते हैं वो ही उनके मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि हम पुराने बातों को दकियन उसी कह के छोड़ देते हैं, वो नहीं, वो बिल्कुल एक यथार्थ जीवन को सत्यता की ओर ले जाने का, एक वीरता की ओर ले जाने का एक उपक्रम था, जिन्होंने साधना पूर्ण जीवन दिया वो बच्चों को सब बताती थी। इसलिए हमारा निवेदन ही है कि हम पारिवारिक जीवन में संवाद शैली को पुनर्स्थापित करें। बहुत अच्छी बात कही आपने नामदेव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाद बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि अभी नामदेव जी ने बताया कि बापू के विचार उन छोटे बच्चों में, या हम देख रहे हैं जो आज की जनरेशन है उसमें उतने दिखाई नहीं देते, उतना उनमें उनको याद भी नहीं है कि बापू किस तरह के विचार रखते थे, लेकिन उन्हें बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए दादा नानियों की कहानी होती थी जो हमें बचपन में बताई जाती थी। लेकिन अब क्योंकि शॉर्ट फैमिली, स्मॉल फैमिलीज का ट्रेंड है, मम्मी पापा दो बच्चे एक सुखी जीवन के साथ वो आगे बढ़ते हैं ऐसा सोचते हैं परिवार में, लेकिन जब आप बुजुर्गों के साथ घर में रहते हैं, अपने परिवार
भरपूर परिवार के साथ रहते हैं, तो बच्चों में भी वो बातें कहानियों के माध्यम से उन्हीं बुजुर्गों के जरिए पहुंचती हैं जिन्हें आप कहीं और छुड़ाते हैं। बरा हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे और बापू जिनके आदर्श, जिनके विचार आज के तारीख में अगर हम ढूंढते हैं तो ढूंढते से नहीं मिलते। हाँ, नोटों में जरूर दिख जाते हैं, मूर्तियों के जरूर आपको गांधी जी की मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हुए नेता दिख जाएंगे, लेकिन गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने वाले नेता क्या वो आचरण रखते हैं जो गांधी जी कहते थे? क्या वो विचार उन कभी नहीं करते? रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हेड हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभी रत्नाकर जी, दयाराम नामदेव जी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आज जरूरत है उस दवा की जो बापू ने हमें दी। मर्ज आज उतना बढ़ गया है कि उनके जो विचार थे उसे दवा के रूप में उपयोग कीजिए, वरना हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। आप गांधी जी के उन विचारों को, उनके आदर्शों को आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? कितना बदल गया है भारत और कितना बदल गया है देश? जब उन्होंने जो बातें कहीं, आज हम ढूंढते हैं उन विचारों को, ढूंढते हैं कि शायद बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों में उनके कुछ विचार मिल जाएं। बहुत सही बात आपने कही है कि इस समय पर उनके विचारों की स्थिति क्या है। देखिए, गांधी के जो विचार थे उनका जो सबसे बड़ा जो पहलू था, जो दो चीजें थी, एक तो कि उनमें प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा थी और दूसरा ये था कि उनको एक तरीके से आप एक प्रिजर्विंग एलिमेंट के साथ में भी कह सकते हैं। गांधी ने जो उस समय कहा था सच को लेकर, वो कॉन्सेप्ट आज तक जिंदा है, वो कारगर है आज भी। आज की तारीख में भी अगर हम अन्ना हजारे के आंदोलन को देखें या आज की तारीख में अगर हम जो मुंबई में कमिश्नर हुआ करते थे नगर पालिका के, खैर नार, ये भी सच के रास्ते पे चले। अन्ना ने पूरे देश को सरकार को झुका के रख दिया था सत्याग्रह के जरिए, खैर नार ने सच की ताकत के जरिए मुंबई के जितने भी बिल्डर्स थे जिनमें माफिया तक शामिल थे उन सबको उस आदमी ने डाउन कर दिया था, नीचे दबा के रख दिया था। तो आज भी अगर हम इन चीजों, इन दो उदाहरणों के अलावा और भी बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिनके अगर हम तह में जाएं तो समझ में आता है कि गांधी ने जो कहा था, बापू ने जो कहा था, वो चीजें आज भी असर रखती हैं, वो चीजें आज भी प्रैक्टिकली संभव है, वो चीजें प्रिजर्विंग एलिमेंट्स के साथ में वो आज तक सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ है कि या तो गांधी फैशन की वस्तु बन के रह गए हैं और या फिर गांधी सत्ता पाने का जरिया बन के रह गए हैं, और तीसरा बहुत ही शर्मनाक सत्य है लेकिन फैक्ट है कि गांधी झूठ बोलने का सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं। उनका नाम लेकर कसमें खाकर लोग ऐसे ऐसे झूठ बोल जाते हैं, उनके सिद्धांतों की बात कहकर ऐसे ऐसे झूठ बोल जाते हैं जिनके चलते सत्य, पहले तो कहा जाता था कि सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन अब तो डर लगने लगा है कि गांधी को लेकर जो चल रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें सत्य के पराजित होने की भी बात सुननी पड़ जाए। बिल्कुल, बापू को जब तक आत्मसात नहीं किया जाएगा, बापू को जब तक पूरी तरीके से उनका सत्व जो है, जो एसेंस है उनकी बातों का, उनको लागू नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। नेस्टोडामस बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो तीन लोग आके मेरी कब्र खोदेंगे और उसी समय तीनों की मौत हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ भी था, मुझे लगता है कि अगर महात्मा गांधी भी एक वो होते, भविष्यवक्ता होते, तो निश्चित रूप से कहते कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी समाधि पर दुनिया के सबसे ज्यादा झूठ बोले जाएंगे, तब मेरे नाम पर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रपंच रचे जाएंगे, तब मेरे नाम पर सब कुछ वो किया जाएगा जो उसका मैंने सारी जिंदगी विरोध किया। तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति पारुल की आज की तारीख में हमें बापू के संदर्भ में इस तरीके के सच को बयान करना पड़ रहा है। ये स्थिति दुखद है, बहुत ही शर्मनाक और इसके घातक नतीजे देखने मिल सकते हैं। इंदौर की घटना पर भी आपने बात रखे रत्नाकर जी, जहां दो गुट आपस में लड़ गए बापू के नाम पर, जो उनका कभी भी सोचना नहीं था, वो स्वप्न में भी वो उस बात को नहीं सोच सकते थे जो इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस ने कर दिया। नहीं देखिए ना, बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर आप बापू की समाधि पर या बापू की मूर्ति के पास में जा रहे हैं तो आपको वहाँ एक साधारण ह्यूमन बीइंग बन के जाना होगा। आप वहाँ कांग्रेसी बन के क्यों जाते हैं? आप क्यों नरेंद्र मोदी बन के वहाँ पर पहुँच गए? क्यों आपने इस तरीके की घटना चरों को डेवलप किया? अरे आप बापू को इतने ही मानते हैं तो उनके अनुयायी बन के जाइए ना। इसका मतलब है कि आप उनके अनुयायी नहीं है, यू आर नॉट फॉलोइंग हिम। आप एक कांग्रेसी बनकर उनके पास में जा रहे हैं, आप एक नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा के उनके पास में जा रहे हैं, तो इसमें तो सीधी सीधी सी बात है कि आपका एक ट्रेंड है, एक फैशन है कि 2 अक्टूबर है, आपको उनकी मूर्ति पर जाना है, वहाँ मीडिया मौजूद रहेगा, वहाँ उसके बाद में प्रेस रिलीज आपको लेकर अखबारों के दफ्तरों में जाना है कि हमने माल्यार्पण किया था। माल्यार्पण करने भर से, अगर माला डालने भर से अगर गांधी फिर से आपके विचारों के अंदर आ गया होता तो आज जो 1.25 अरब की आबादी हिंदुस्तान की, उसमें से आधे से ज्यादा महात्मा गांधी हमारे आपके आसपास घूमते फिरते रहते।
क्योंकि प्रपंच तो हर साल हो रहा है उनकी, जब से वो नहीं रहा हमारे बीच में। तो इंदौर की घटना इसलिए बहुत दुर्भाग्यशाली है कि उससे साफ हो गया कि वहां जो लोग पहुंचे थे उनमें से नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। अगर वो गांधी के सच्चे अनुयायी होते, उनके सच्चे समर्थक होते, तो हिंसा नहीं करते, विभेद नहीं करते। गांधी जी सारी जिंदगी हिंसा और भेदभाव के खिलाफ लड़े, और एक आप वहां पर इस तरीके का सीन क्रिएट नहीं करते, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति का द्योतक है, जो कि बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति का द्योतक है। तो इंदौर की घटना की तो जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पारुल, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी अपनी बात रखने के लिए। गांधी जयंती का दिन, बापू को याद करने का दिन, पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, लेकिन गांधी जयंती के दिन देश में हो क्या रहा है? अहिंसा वादी आचरण के लिए वो जाने जाते थे, जो सोच वो रखते थे उससे इतर देश में स्थितियां चल रही हैं, चाहे वो महिला अपराधों की आप बात कर लीजिए, जो हाल ही में हम इंदौर की घटना का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर अगर वाकई सच्चे अनुयायी दोनों ही पार्टियों के लोग होते, जिसके लिए उन्होंने बापू को बांट लिया है राजनीति के लिए, बापू दोनों ही पार्टियों में उनकी सुविधा के हिसाब से बट गए हैं, लेकिन जब बात उनके आदर्शों की, उनके उनकी जो सोच है उसे अपनाने की हो, तो भला आज के दिन कम से कम हिंसा ना होती? लेकिन दोनों आपस में लड़ पड़े, और अगर आप सच्चे अनुयायी थे तो आपको क्यों किसी का मखौटा पहनकर जाने की जरूरत पड़ी? कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि आज मर्ज तो बढ़ गया है, यानी जरूरत आन पड़ी है कि उन आदर्शों को, उन विचारों को अपनाया जाए जो बापू ने हमें सिखाए, उस सत्य को हमें आगे देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में लग तो ऐसा ही रहा है कि जिस सत्य की उन्होंने बात की थी कहीं वही इस माहौल में ढूंढने से भी ना मिले। और हाँ, विचार वो तो मिल भी नहीं रहे हैं। राजनेता अपनी सुविधा के हिसाब से बापू का नाम इस्तेमाल करते हैं, एक सियासी दुकान उनके नाम पर सजा लेते हैं, लेकिन अंततः उनके विचारों को कहीं पेटी में, कहीं संदूक में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो तो उनमें दिखता ही नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।